टाटा कर दे, कर दे टाटा। हाँ टाटा। 4:30-5 बजे के बीच सूर्य को अर्घ्य देकर फिर हम कुछ फल वगैरह खा सकते हैं उसके बाद। टाइम हो रहा है 9 और दोस्तों चांद आ चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ दोस्तों आप और आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। बागेश्वर में 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और फाइनली आज धूप निकल चुकी है और मौसम काफी बढ़िया है। मैं दिखाता हूँ आपको आज का मौसम। ये देखिए धूप निकल चुकी है और मौसम एकदम साफ है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। चेक करवा चौथ और बेकी का भी करवा चौथ का व्रत है, अभी वो मंदिर साफ सफाई कर रही है। और दोस्तों आप लोग को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चले दोस्तों चलते हैं और देखते हैं बिक्की क्या करती है। बिक्की मंदिर की साफ सफाई करने में व्यस्त है और उज्जवल रो रहा था तो मैंने इसे ले लिया गोदी में और थोड़ी देर गोदी में खिलाते हैं इसे, क्योंकि रो रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा। टाटा कर दे, कर दे टाटा। हाँ टाटा टाटा। ये देखिए दोस्तों टाटा कर, पापा हाय कर रहा है, कर दे नहीं हाय, टाटा कर दे, टाटा कर दे, कर दे टाटा, टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे। ये देखिए दोस्तों ये आपको हाई बोल रहा है उज्जवल। मैं पानी, चल चल अंदर चलते हैं। हम आ चुके हैं अंदर मंदिर वाले कमरे में और बिक्की ने मंदिर साफ कर लिया है और पूजा भी कर ली है। ये देखिए दिए भी जला लिए हैं और कितना सुंदर लग रहा है। मैं आया हूँ घर पर और बिक्की हो रही पीछे तैयार। ये देखिए विक्की और दीदी पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर में मन्नू आएगी उज्जवल की मौसी और वो सुनाएंगी करवा चौथ की कथा जो होती है। 4 बजे का टाइम ये है, जल चढ़ाने का टाइम होता है करवा चौथ में। अभी हम कथा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पूजा करेंगे दिया बत्ती यहाँ पे, फिर जाएंगे छत पे सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए पानी चढ़ाने, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ फल वल खा सकते हैं उसके बाद। और देखिए मन्नू भी आ चुकी है उज्जवल की मौसी और अब ये कथा सुनाएंगे और हम कथा सुनेंगे और दिशु भी आई है। दिशु हेलो गाइस बोल दे, दिशु हेलो गाइस बोल दे। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उन पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात संपत्ति से मुक्त कर दिया। वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की वैसे ही सभी पतियों की रक्षा करें। जय माता। सूर्य को अर्घ देंगे 4 बजे का, 4 बजे के बाद से देते हैं, फिर उसके बाद सूर्य अस्त हो जाता है तो 4 से 4:30-5 बजे के बीच सूर्य को अर्घ देकर फिर हम कुछ फल वगैरह खा सकते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद होगी चंद्रमा की पूजा रात को। जब निकल आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम जा रहे हैं छत में सूर्य देव को जल चढ़ाने।
हम पहुंच चुके हैं छत में और दीदी और बिक्की पहुंच चुके हैं और अब करेंगे पूजा और जल चढ़ाएंगे सूर्य देव को। पहाड़ों में ठंडा स्टार्ट हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों छत में घूमने में। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं नीचे को और चाय आई पीते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा आसमान बादल से ढक चुका है और बारिश भी लगने लगी है। आप देखते हैं शाम को चाँद हमको दिखता है या नहीं। अभी टाइम हो रहा है 8:00 और अंधेरा हो चुका है और मैं हूँ अभी अपने कमरे पर और उज्जवल उठा हुआ है अभी। तो दोस्तों ये रो रहा था तो अभी मैंने इसको गोदी में ले लिया है और इसकी मम्मा लोग बना रहे हैं पूरियां वूरियां। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, चलो गुन्नी किचन में चलते हैं। ये देखिए ये है किचन में और यहाँ बन रहा है खाना और यहाँ तल जा रही पूरियां। ये देखिए देखिए दोस्तों खाना बन चुका है, खाली पूरियां पूरियां बनानी बाकी रह गई है। तू उधर जा ना, इधर मत आ बेटा, यहां तेल में पूरी बना रही हूं। छत पर आ चुका हूं और संगम का बजने स्टार्ट हो गई, मतलब कि चांद निकल चुका है लेकिन अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हमको अभी 10 या 5 मिनट लगेंगे चांद दिखने में। उधर साइड हमारे अपोजिट वाले जो पीछे वाले गाँव वाले हैं उनको चांद दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखने में 5 या 10 मिनट लगेंगे और फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों वेट करते हैं 5 से 10 मिनट का और फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9 और दोस्तों चांद आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रहा चांद और शंख का बजने लग गए हैं और चांद पूरा आ चुका है। बाधी